Hey everyone, welcome back to Kingdom of Learning. So another very important and very useful video related to college students. Means पहले क्या होता था और अब क्या होता है. बहुत सारे education के field में means बहुत सारे changes आ रहे हैं. तो because ours is an educational channel, so I thought it's my duty to update you all about these changes. तो आज की इस video में मैं जो आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत बड़ा major change है. और means ये change हमारे time में नहीं होता था, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी होती थी. मींस ऐसा होता है कि कई बार ऐसा मन करता है कि आप एक साथ में दो कोर्सेज करना चाहते हैं. तो पहले क्या होता था कि आप एक टाइम में सिर्फ एक ही कोर्स को परस्यू कर सकते थे. मींस अगर आप एक कोर्स एक टाइम में बीए कर रहे हैं तो बस आप वही करेंगे. आप उसके साथ साथ प्राइवेट तो मीन्स छोटे मोटे जो कोर्सेज होते हैं वो तो आप पर्सनली कहीं से भी कर सकते थे, बट डिग्री कोर्सेज या डिप्लोमा कोर्सेज इस तरह से आप नहीं कर सकते थे. बट अब यूजीसी ने एक बहुत बड़ा चेंज बताया है. मींस एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है कि अब सारी यूनिवर्सिटीज में आप एक साथ, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की यहाँ पर बात हो रही है, एक साथ दो कोर्सेज भी कर सकेंगे. मींस भले ही आप अंडर ग्रेजुएट के दो कोर्सेज करना चाहते हैं या आप पोस्ट ग्रेजुएट के दो कोर्सेज करना चाहते हैं या फिर आप वोकेशनल स्टडीज के दो कोर्सेज एक साथ करना चाहते हैं एक ही साल में, तो आप अब उनको कर पाएंगे. तो दैट इज अ रियली बिग अपडेट और इससे बहुत फायदा होने वाला है. क्योंकि इसमें क्या होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि हमने इस कोर्स में ज्वाइन कर लिया है, बट बाद में आपको लगता है कि नहीं, मुझे ये कोर्स पसंद नहीं आ रहा या मैं कर नहीं पा रही इसको, तो आप उसे चेंज करना चाहते हैं. बट मिड सेशन में चेंज नहीं कर पाते तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका एक साल बर्बाद हो जाता है. बट अब आप उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं. आप अब क्या कर सकते हैं, आप एक साथ दो कोर्सेज में भी अप्लाई कर सकते हैं. और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप उन दो कोर्सेज में से एक को ऑफलाइन और दूसरे को ऑनलाइन मोड में ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो दोनों को ही ऑनलाइन मोड में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ऑफलाइन तो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे. तो एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन मोड में ले सकते हैं या फिर दोनों ऑनलाइन मोड में ले सकते हैं. तो इस पर जो यूजीसी के चेयरमैन हैं उन्हीं की ही स्टेटमेंट आई हुई थी और उन्होंने बोला है कि मीन्स उन्होंने ये अपना जो डिसीजन है यूनिवर्सिटीज को कन्वे कर दिया है. इससे रिलेटेड डिटेल्ड गाइडलाइंस भी आ जाएंगी. और बट उन्होंने ये भी बोला है कि ये कई मींस यूनिवर्सिटीज के लिए कंपलसरी नहीं होगा इस चीज को मानना. मींस नाउ इट विल डिपेंड अपॉन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कि अगर यूनिवर्सिटी कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी चाहती है कि वो इस चीज को इम्प्लीमेंट करें तो वो कर सकते हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो नहीं करें तो नहीं करेंगे. तो अब ये किस किस यूनिवर्सिटी कि मींस किस किस यूनिवर्सिटी को फेवरेबल लगता है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसको अडॉप्ट करती है वो देखना होगा. जैसे ही मुझे कोई अपडेट मिलेगी इसके बारे में आई डेफिनेटली लेट यू ऑल नो अबाउट दैट. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड लाइक द वीडियो इफ यू फाउंड इट यूजफुल एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज इससे रिलेटेड और भी अपडेट्स मैं आपको देती रहूंगी. सो थैंक यू सो मच.